आज से तकरीबन 3.5-4 साल पहले मैं YouTube के हाई पे चल रहा था. मतलब आई वॉज डूइंग एग्जैक्टली वॉट आई वॉन्टेड टू डू. क्रिकेट का मुझे बहुत शौक था तो मैं PSL गया था व्लॉग करने. वर्ल्ड कप में गया था ऊबर के साथ. सब्सक्राइबर्स भी बढ़ रहे थे, फैन भी बढ़ रहे थे, लोग मुझे रोडों पे पहचानना भी शुरू कर रहे थे. लेकिन वर्ल्ड कप से वापस आने के बाद मैंने YouTube पे वीडियोज बनाना एकदम से छोड़ दी. मतलब एकदम से छोड़ दी. बीच में मैंने बाद में एक दो और बनाई है, लेकिन वो जो मैं कर रहा था रेगुलरली वीडियोज अपलोड करना, वो मैंने छोड़ दिया. मल्टीपल रीजंस, उसमें से एक रीजन ये था यार कि अब मुझे उस तरह का कंटेंट मोटिवेट नहीं कर रहा था. और कोई नई चीज़ करने के लिए, मतलब जो मैं चीज़ करना चाहता हूँ दैट होल्ड्स जीरो टू वेरी मिनिमल कमर्शियल वैल्यू, तो अगर मैं उसको एज अ फाइनेंशियल बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ, सोचा कि यार अब मुझे ना तो उसमें कोई साइकोलॉजिकल रिवॉर्ड मिल रहा है, ना मुझे उसमें कोई फाइनेंशियल रिवॉर्ड मिल रहा है, तो फिर मैं क्या करूँ, समझ रहे हैं आप. तो मैंने वो छोड़ दिया. तो वीडियो छोड़ने के बाद मैं एक दिन बैठा हुआ था अपने पुराने ऑफिस में मैंगो वास के, और सलमान पारिक, अगर आप उनको जानते हैं, ये उनकी तस्वीर है, उनका मुझे मैसेज आया कि यार हम चाय पे जा रहे हैं, आप आ जाओ. मैं चाय पे चला गया. तो जब मैं उस दिन उनके साथ चाय पे बैठा तो मुझे पता चला ई कॉमर्स के बारे में. सलमान जो था वो ई कॉमर्स ऑलरेडी बड़ा पढ़ चुका था, उसके बारे में मुझे ज़ीरो आइडिया था क्या सीन है. और वो मुझे किस तरह की फील्ड लगी जिसमें मुझे लगा था कि मेरी कंटेंट वाली स्किल्स भी यूज़ होंगी, प्लस वो फाइनेंशियल एलिमेंट भी मेरा अच्छा होगा बिकॉज वो एक बहुत ट्रेडिशनल बिजनेस है. उसके बाद अगले 6 महीने मैं रोज़ सलमान पारिक के ऑफिस में बैठता था. वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा था, मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया ई कॉमर्स का. साथ साथ हम बैठ के सीखते थे चीज़ें, लोगों से मिलते थे, टूल्स एक्सप्लोर करते थे. और इस पूरे प्रोसेस के बाद मैंने अपना ऑनलाइन बिजनेस लॉन्च कर दिया कॉल्ड अजीज़म. नाउ अजीज़म इज़ अ वेरी ऑल्टरनेट होम डेकोर शॉपिंग एक्सपीरियंस. बहुत ऑल्टरनेट यूनिक फंकी प्रोडक्ट्स होते हैं. पूरा ब्रांड डेवलप किया, सारा कंटेंट शूट किया, सारी मार्केटिंग खुद करी सारा. एक बड़ा मसला ये था कि ई कॉमर्स का जो मेरा बिजनेस तो बड़ा फिट चल रहा था, लेकिन ऑब्वियसली बिजनेस करने के लिए आपको बहुत लोग चाहिए होते हैं, आपको स्टाफ चाहिए होता है, आपको एम्प्लॉयज चाहिए होते हैं. और मेरा मसला ये था कि जिस तरह का मैं इंसान हूँ ना, मुझे लोगों से डीलिंग बहुत अच्छी करनी नहीं आती. मुझे एहसास हुआ कि यार आई वुड लाइक टू ऑटोमेट एज मच एज पॉसिबल देन लीव इट इन द हैंड्स ऑफ पीपल. एक तो क्योंकि मुझे वैसे भी लोगों के साथ काम करना इतना नहीं आता था, एंड सेकेंडली बिकॉज आई जस्ट थॉट कि मैं एक टेक का बंदा हूँ, मेरी ग्रेजुएशन भी कंप्यूटर साइंस में, तो माइट एज वेल यूज इट नाउ. मैं लिटरली आई स्टार्टेड फ्रॉम जीरो. मैंने गूगल पे लिखा था हाउ टू ऑटोमेट थिंग, एंड देन मैंने फिर एक टूल के बाद दूसरा टूल, दूसरे के बाद तीसरा, चौथा, पाँचवा, मैंने आहिस्ता आहिस्ता ऑटोमेशन करना शुरू किया. 6-7 months down the line मुझे काफ़ी कुछ ऑटोमेट करना आ गया, और मैंने बहुत मल्टीपल टूल्स ऑटोमेशन के, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के, मार्केटिंग के, AI के, लॉजिस्टिक्स के, Shopify, WooCommerce, e-commerce, सब कुछ. इतना मुझे फिर कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया अपने सिस्टम्स के अंदर कि मैंने फिर एक और ई कॉमर्स बिजनेस लॉन्च कर दिया. एंड देन मैंने एक और ई कॉमर्स बिजनेस लॉन्च करने के बाद ये सोचा कि यार ये जो मैं ऑटोमेशन की सर्विसेज इतनी सीख गया हूँ तो वाई नॉट सेल दी सर्विसेज. तो मैंने अपनी ऑटोमेशन की एजेंसी भी फॉर्म कर ली. तो जब मैंने पाकिस्तान में लोगों से यहाँ बात करना शुरू की, उनको बताना शुरू किया कि यार ये मैं ऑटोमेशन कर रहा हूँ, मैं ये सीखी है, मैं ये काम कर रहा हूँ, तो देवर अ लॉट ऑफ पीपल डिड नॉट नो कि ये कौन सी जबान में बात कर रहा है, चाइनीज बोल रहा है, क्या बोल रहा है. तो फिर मुझे एहसास हुआ कि यार आजकल जो टेक्नोलॉजी है, एक जमाने में हमें लगता था कि हमें पता नहीं कौन सा इलॉन मस्क बनना पड़ता होगा प्रोग्राम बनाने के लिए या सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, पता नहीं कौन से लेवल की आपको नॉलेज चाहिए. लेकिन जब मैंने खुद ये चीज़ एक्सपीरियंस की हैं, सीखा है, तो मुझे एहसास हुआ है कि टेक इज गेटिंग ईजियर टू लर्न एंड अडेप्ट एंड अडॉप्ट एज वी गो फॉरवर्ड. एंड आई थॉट क्योंकि मैंने ये जर्नी गुजारी है ऑटोमेशन की, टेक की, डिफरेंट टूल्स की, जो आपके बिजनेस को बेहतर कर सकते हैं, जो आपके बिजनेस में आपके पैसे बचा सकते, जो आपके पैसे बढ़ा सकते, जो आपका टाइम बचा सकते, जो आपका मंथली पेरोल कम कर सकते, जो आपकी जिंदगी आसान कर सकते हैं, जो आपके सर के दर्द कम कर सकते हैं, जो आपके दिन में 7-8 घंटे पकड़ा सकते हैं, ये लो भाई मुफ्ते का टाइम, जो करना है करो. विच इज वाई आई एम हेयर टूडे एंड विच इज वाई वॉन्ट टॉक टू यू. आई वुड लाइक टू सिट हेयर एंड टेल यू गाइज अबाउट द डिफरेंट थिंग्स दैट हैपनिंग इन द वर्ल्ड ऑफ टेक, हाउ टू यूज देम टू सेव मनी, क्रिएट मनी, क्रिएट टाइम, क्रिएट लाइफ, क्रिएट बिजनेसेस, एंड ऑटोमेशन इज अ ह्यूज पार्ट ऑफ इट. एंड आई वुड लाइक टू टेल यू गाइस हाउ टू ऑटोमेट स्टफ बेसिकली एंड अपलोड. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को प्लीज़ एज यूजुअल लाइक करें, चैनल को आप मेरे सब्सक्राइब करें, एंड आई वुड लव टू टेल यू मोर अबाउट इट. ये जर्नी अभी स्टार्ट हुई है हमारी, ये जहाँ तक पहुँचेंगी ना आप, अगर आप मेरे साथ चलेंगे तो फिर देख लें आप कहाँ तक पहुँचेंगे इंशाल्लाह. तो यस, थैंक यू.